हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेट सिम्पल तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स मेड सिंपल के करंट अफेयर्स में और ये वीडियो है एक पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करने की आप एक तरीके से मान लीजिए क्योंकि हमने दिवाली के टाइम पे अभी तीन चार दिन वीडियो नहीं बनाया था लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आए जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपने एनालिसिस किया है कि नहीं किया है कहीं और का या आपने अपने से पेपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उससे हट करके हम वो कुछ न्यूज आइटम्स जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से वो मैं एक करके आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं आई होप आप लोग को पसंद आएगा तो सबसे बात करते हैं पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की जो सबसे पहली न्यूज है वो है ब्रीदिंग लाइफ अ डेड रिवर सुख अब एक रिवर है सुख नाम की रिवर है अब ये रिवर कहाँ पर है ये उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में है विच हैज स्टॉप्ड फ्लोइंग सेवेंटी ईयर्स हो मतलब सत्तर साल पहले ये बहना बंद हो गई थी अब इसको रिवाइव किया जा रहा है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो न्यूज आइटम क्या होगा आपका सुख नाम का सुख नाम की रिवर है जो कि कहाँ पर फ्लो करती है उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है सत्तर साल पहले यानी कि उन्नीस पचास के आसपास के टाइम पीरियड में ये फ्लो होना बंद कर दी गई थी क्यों बंद कर दी गई थी क्योंकि यहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था एक कैनाल का प्रोजेक्ट चल रहा था और वो कैनाल थी तल दंड, ताल डंडा कैनाल सिस्टम तो ताल डंडा कैनाल सिस्टम था जो कि बनाया गया था जब ये बनाया गया था तो इट वॉज इन द रिवर्स माउथ जहां पर रिवर के माउथ को क्लोज कर दिया गया था इंजीनियर्स के द्वारा ताल डंडा कैनाल सिस्टम के कारण तो ये आपको याद रखना है ताल डंडा कैनाल सिस्टम सुखपैका रिवर उड़ीसा

It has been spotted now. अब देखो क्या है है जीनस अल्मानिया क्यों न्यूज़ में और कहाँ ये खोजा गया तो सबसे पहले तो याद रखिएगा इसको डिस्कवर किया गया है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के हिलॉक्स में यानी कि जो वहाँ पर ग्रेनाइटिक हिलॉक्स हैं तो एक एक फैक्ट आपको ये भी पता चलता है कि जो पलक्कड़ रीजन है वहाँ पर आपको ग्रेनाइटिक हिलॉक्स मिलेंगे ठीक है ना वहाँ के पे एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है जीनस अल्मानिया की अब नई स्पीशीज़ का नाम है अल्मानिया मल्टीफ्लोरा द नेम इज अल्मानिया मल्टीफ्लोरा अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो पहली स्पीशीज़ थी एक्चुअली ये सेकेंड स्पीशीज़ है इस जीनस की अल्मानिया की इसकी जो पहली स्पीशीज़ थी वो लगभग एक यानी कि वन एट एट पहले ढूंढी गई थी द फर्स्ट स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड वन हंड्रेड एंड एटी एट ईयर्स अगो है ना और ये जो सेकेंड

छत्तीस ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को सक्सेसफुली प्लेस किया गया है बाई इसरोवीएस्ट रॉकेट अब इसरो का हैस्ट रॉकेट कौन सा इस समय एल वी एम थ्री एम टू याद रखेगा एल वी एम थ्री एम टू इट इज इट हैज बिन लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इन श्री हरिकोटा तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है अच्छा एल वी एम थ्री रॉकेट को पहले क्या कहा जाता था वो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ सकता है एल वी एम थ्री रॉकेट को पहले कहा जाता था जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री और जीएसएल वी

लेकिन तब पेलोड का वजन कम हो जाएगा और ऑर्बिट यानी कि चार से 500 सौ किलोमीटर तक भी ले जा सकता है जहां पर पे पेलोड का वजन आप ज्यादा डाल सकते हैं ठीक है ना अब ये जो सैटेलाइट से, से, मिशन है ये एन एस आई एल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इसरो के अंतर्गत एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के रूप में बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एनएसआईएल uh, क्या है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल सेटेलाइट मतलब डेडिकेटेड कॉमर्शियल आर्म है एक तरीके से जैसे इसरो के दो कॉमर्शियल आर्म हो चुके हैं एक तो आपका पहले अंतरिक्ष आपको पता होगा अंतरिक्ष कारपोरेशन दूसरा एन एस आई एल जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है डिपार्टमेंट uh, स्पेस के अंतर्गत और एलवी एम थ्री जो है बेसिकली ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में इंटर कर चुका है मतलब कि अगर आपको ग्लोबली दूसरी कंट्रीज को भी अगर कोई सेटेलाइट अपनी सेटेलाइट छोड़नी होगी या उसको लोअर तक ले जाना होगा तो यह एलवी एम थ्री का यूज करके किया जाएगा ठीक है ना एंड इस मिशन के अंतर्गत थर्टी सिक्स वन वेब जनरेशन वन सेटेलाइट जो है ग्लोबल uh, कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च की गई है सिक्स हंड्रेड वन किलोमीटर सर्कुलर लोअर में तो छह सौ किलोमीटर तक ले जाया गया है वन वेब वन सेटेलाइट को बाय दिस एल वी एम थ्री यानी कि जो पहले का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल एम के थ्री था तो इंडिया का हैविएस्ट सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो ये आपको याद रखना है अगली जो न्यूज़ है वो है तमिलनाडु सेट्स अप काउंसिल तो। थे 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 गवर्निंग, तो तमिल गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के लिए एक इनिशिएटिव लिया एक तरीके से कहना चाहिए लीडर के रूप में काम किया है एंड जैस डिसाइडेड टू स्टैब्लिश द तमिलनाडु गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज तो इसमें तमिलनाडु गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाई जाएगी तमिलनाडु गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज टी एन जी सी 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 है ना अब ये लीड कौन करेगा तो याद रखेगा तमिलनाडु गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज है उसको लीड करेंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन मेंबर्स में बहुत सारे जैसे सीनियर सेक्रेटरीज हो गए वीरस डिपार्टमेंट्स के ये सब इसमें मेंबर्स रहेंगे ना तमिलनाडु गवर्नमेंट हैजऑ ऑल्सो सेटअप थ्री की मिशन तीन मिशन भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेट किए हैं पहला है तमिलनाडु ग्रीन मिशन दूसरा है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन एंड तीसरा है तमिलनाडु वेटलैंड मिशन ठीक है ना कौन कौन से तमिलनाडु ग्रीन मिशन तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन एंड तमिलनाडु वेटलैंड्स मिशन एंड इट हैज आल्सो एस्टैब्लिशड अ स्पेशल पर्पस व्हीकल नोन एज तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी तो इसके लिए याद रखिएगा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल भी एस्टैब्लिश किया गया है जिसका नाम है तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी एंड ये क्यों बनाया गया ताकि जो क्लाइमेट एक्शन है उनको अच्छे से स्टीयर किया जा सके ठीक है ना दैट इज अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी तो आई होप आपको याद रहेगा तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी याद रखेगा ये स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में बनाया गया है अभी जो तो गवर्निंग काउंसिल है जैसे कि इसका पर्पज क्या है इंपॉर्टेंट तो याद रखेगा इसका जो पर्पज है वो है टू तो प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन पहला तो पॉलिसी डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काहे से रिलेटेड तमिलनाडु में किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो मिशन है उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा दूसरा है क्लाइमेट अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन मतलब कि एक तो जैसा क्लाइमेट हो गया है उसके अकॉर्डिंग कैसे किया जाए और तीसरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट कैसे किया जाए तो ये सारी चीजें डिसाइड करेगा ये गवर्निंग काउंसिल याद रखेगा अच्छा ये मैं आपको बता दू कि पूरी नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल रहेंगी में uh, temps, -E में आपको ये पूरी नोट्स अवेलेबल रहेंगे आप वहां से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं इसको ठीक है ना अगली जो न्यूज है वो है द एनजीटीज हॉल्टेड वर्क ऑन कॉर्बेट टाइगर सफारी द पैनल सबमिट्स इट्स रिपोर्ट ऑन ट्री फेलिंग अब देखो याद होगा आपको मैंने पहले भी हालांकि आपको बताया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक सफारी बन रही है जिसका नाम है पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट याद रखेगा ये नाम तो जरूर याद रखेगा पाखरो या पखरो जो भी आप पढ़ो लेकिन स्पेलिंग याद रखेगा पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट जो था अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एनजीटी ने उसका काम इसलिए रोक दिया क्योंकि ये क्लियर नहीं बता पा रहे कितने पेड़ गिराए गए हैं जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 6000 से ज्यादा पेड़ जो है वो इलीगली काटे गए हैं जबकि परमिशन केवल एक पेड़ काटने की थी 163 पेड़ कटने की परमिशन थी लेकिन 6000 से ज्यादा पेड़ जो है वो गिराए गए हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट तो एनजीटी ने कहा कि भैया जब तक आप इसकी क्लैरिटी नहीं देते हो तब तक हम आपको आगे का काम करने की परमिशन नहीं दे सकते तो पखरो टाइगर रिजर्व आप सफारी प्रोजेक्ट याद रखेगा इन द कॉर्बेट और कॉर्बेट आपको पता हो चाहिए कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है तो इंडिया का पहला

दूसरी चीज़ है पैलिएटिव केयर ये मैं थोड़ा टर्म बोलने में थोड़ा गड़बड़ कर गया पैलीटेटिव बोल दिया पैलिएटिव बोलते हैं इसको तो पैलिएटिव केयर रह याद रखेगा इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इसमें जैसे कि जो पेशेंट है पेशेंट उस समय बहुत डिप्रेशन में रहता है जब आप उसको बता दो कि भाई आपकी डेथ होने वाली सर्टेन है मतलब दो महीने चार महीने छः तो ऐसे टाइम में ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है पूरा दिन वो कैसे जी पाएगा अगर आपको पता हो कि आपकी डेथ सर्टेन है चार दिन में दस दिन में तो आप वैसे भी नहीं जी पाओगे स्ट्रेस के कारण तो ऐसे में केयर जो है बेसिकली वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी आपका बचा हुआ टाइम है है ना बचा हुआ जो टाइम है उस टाइम पे ये जो 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 आपकी आपकी मतलब कि इलनेस से ज़्यादा आपका डिप्रेशन है उसको दूर करने का काम करता है ना तो पैलिएटिव केयर उसके लिए काम आती है एंड द गोल इज टू इम्प्रूव पेशेंट्स एंड फैमिलीज क्वालिटी ऑफ लाइफ तो जितना भी समय आपके पास बचा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव की जाए उसके ऊपर ये पैलिएटिव केयर है एंड इट इज डिलीवर्ड बाई स्पेशली ट्रेन टीम्स ऑफ डॉक्टर डॉक्टर्स नर्सेस एंड अदर स्पेशलिस्ट जो कि कोलैबोरेट करते हैं इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं डॉक्टर्स नर्सेस के ना तो ये आपको याद रखना है ऐसे नहीं इसमें अलग से ट्रेनिंग होती है इसकी तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट अगली न्यूज़ है द पाथ टू मुगाफी विल बी पेव्ड विद ट्रैकर्स ड्रीम अब यहाँ पर एक तो एक ट्रैकिंग ट्रैक का नाम है जिसका नाम है मुगाफी मुगाफी इज़ लोकेटेड एट 4050 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल अब याद देखिए कहाँ पर है ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसकनेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है ना दट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट डिसकनेक्टेड सर्कल्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड वहाँ पर यह मुगाफी लोकेटेड है आई होप यू विल रिमेंबर द नेम एंड आप ये भी बता दो कि जो मुगाफी है ना इसका इसके बारे में एक आई ऑफिसर ने पोस्ट भी किया था बीच में है ना एक चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के तो वहाँ पर इसके बारे में पोस्ट भी होता था उन्होंने बताया था कि ये इसके बारे इसकी ब्यूटी के बारे में एंड ये लगभग विजयनगर वहाँ पर एक रीजन है जहाँ पे विजयनगर का ट्रैक है वहाँ से तीस किलोमीटर दूरी पर यह पड़ता है एंड ये जो रोड है रोड टू विजयनगर इसको डिस्कवर किया गया था बाय द टीम ऑफ आसाम राइफल्स इन नाइनटीन तो आसाम राइफल्स की टीम ने इसको नाइनटीन में ढूंढ

इंडेंजर्ड तो ये भी याद रखेगा कि अफ्रीकन एलिफेंट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड आर्स यानी कि एशियन एलिफेंट इज इंडेंजर्ड अब अगली जो न्यूज है वो है पाकिस्तान को एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है नाउ द पाकिस्तान हैज़ बीन ऑफिशियली रिमूव्ड फ्रॉम एफ ए टी एफ ग्रे लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि एफ ए टी एफ जो है अपनी ग्रे लिस्ट मेंटेन करता है उन कंट्रीज़ को मॉनिटर करने के लिए जो कि फेल कर चुकी हैं टू तो प्रिवेंट इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एफ ए टी एफ के अंदर का दो काम आते हैं एक तो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना तो जो कंट्रीज फेल करती हैं इन कामों में उनको वो ग्रे लिस्ट में डालता है

रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन कमीशन एंड ये आपको याद रखें जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन कमीशन और दूसरी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल तो जी जी सी यानी कि गल्फ कऑपरेशन काउंसिल की के दो रीजनल बाउंड्रीज बॉडीज आती हैं इंडिया ने एफ ज्वाइन किया था एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह दो में और फुल मेंबर बना दो में इंडिया ने एफ कब ज्वाइन किया था दो में तब ये ऑब्जर्वर था और फुल मेंबर ये 2010 में बना याद रखिएगा एफ ए टी एफ रेगुलरली मीट करते है सब बताने की जरूरत नहीं है इसकी जो हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो प्लीनरी है यानी कि प्लेनरी बोलते हैं उसको द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एफ ए टी एफ इज प्लीनरी और इट मीट्स थ्री टाइम्स अ ईयर Year, तीन बार मिलती है साल में तो क्या एफ एफ के अकॉर्डिंग yes, जारगन टर्म भी यूज किया था बता दू एम एल सी एफ टी तो देखो मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि ए एम एल सी एफ टी वॉज ए न्यूज इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग याद रखिएगा ये एफ ए टी एफ का एक टर्म है जारगन है फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ए एम एल यानी

इन्विजिबल डिसीज ऑफ सैंडलवुड अगली न्यूज क्या है द इनविजिबल ऑफ सैंडलवुड ये वो सारी न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट रही हैं इस वीक में यानी कि पिछले चार दिनों में एटलीस्ट दिवाली तक के और मैंने अपने एनालिसिस में नहीं बताया हां हो सकता है आपने कहीं और पढ़ा हो तो जरूर आपको पता होगा लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ये आप याद रखिएगा नहीं देखा है जिसने वो देख ले द थ्रेड टू इंडियाज प्राइड प्राइडल इंडिया का प्राइड सैंडलवुड ये तो हम सब जानते हैं चंदन जो है हमारे सबका प्राइड है और एक डिसीज है जो कि इनविजिबल डिसीज के रूप में

ज कॉजिंग बैक्टीरिया कॉल्ड फाइटोप्लाजमा एक डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है जिसका नाम है फाइटोप्लाजमा उस कारण से यह इनविजिबल डिसीज हो रही है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज एल आ क्वेश्चन में आ गया होगा अगली न्यूज है द सी सी आई थर्टीन हंड्रेड करोड़ फाइन ऑन गूगल गूगल के ऊपर सी सी यानी कि कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेरह सौ करोड़ का फाइन लगाया है आपको पता होगा कि सी सी आई हमारा एक कॉम्पिटिशन वॉच डॉग है जो कि एम्पावर्ड है बाय कॉम्पटिशन कमीशन एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू दो हजार दो का एक्ट है जिसके थ्रू इसको पावर मिली है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपनीज कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे जो मोनोपोली क्रिएट कर रही हो मार्केट में या कंपनीज़ कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड न प्रोवाइड कर रहा हो मार्केट में दूसरे प्लेयर्स को तो इसमें पता चला कि भैया गूगल तो कर रहा है आपको पता कि एंड्रॉइड खरीद चुका है 2005 में। उसके बाद वो कर क्या रहा था? कि वो गूगल एडिशन का जो एंडे हालांकि एंड्रॉइड अगर आप देखेंगे तो ओपन सोर्स का है अब आप देखो इशू समझना आपको न्यूज आपने, आपने बहुत देखी होगी एंड्रॉइड अगर देखो तो इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है मतलब ओपन सोर्स में एंड्रॉइड का सोर्स कोड है लेकिन गूगल क्या करता है कि अगर आप गूगल का प्रोप्राइटरी एंड्रॉइड नहीं लिया है तो फिर वो आपको जो गूगल के एप्स हैं वो अलाउ नहीं करता है परमिशन नहीं देता है उन को चलाने की तो इस कारण से क्या जो मोबाइल फोन के कंपनीज हैं उनको पहले से एग्रीमेंट करना पड़ता है गूगल के साथ ताकि वो एंड्रॉयड वो वर्जन यूज करें जो गूगल उनको प्रोवाइड करता है जिसमें प्रोप्राइटरी लाइसेंसिस मिलते हैं इन एप्स के और इसी कारण से आप देखेंगे कि जो भी आप ये मोबाइल खरीदोगे आजकल के सैमसंग का हो चाहे आप वीवो खरीद लो खरीद लो इन सब जगह आप आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड आपको ऐप्स मिलेंगे जो कि गूगल के ही ऐप्स रहते हैं है ना चाहे यूट्यूब हो चाहे आपका गूगल का सर्च चाहे आपका देखो गूगल आ भी गया आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा तो जो भी आप नाम लोगे ना एवरीथिंग इज गूगल ओनली द एज अ रिजल्ट जो बाकी के एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप सब वही हैं जो गूगल आपको प्रोवाइड करेगा सेकेंड ये है कि गूगल इज द डोमिनेंट प्लेयर इन द ग्लोबल ऐप स्टोर मार्केट फॉर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट चाइना गूगल जो है डोमिनेट प्लेयर है ग्लोबल ऐप स्टोर मार्केट का एक्सेप्ट इन चाइना यू के अकॉर्डिंग मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द एप्स डाउनलोडेड ऑन एंड्रॉयड डिवाइस वर्ल्ड वाइड आर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर तो नाइन्टी परसेंट जो डाउनलोड होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो गूगल प्ले स्टोर से डेवलप होते हैं लेकिन करते हैं। अब के के पास नहीं है कि वो साइड लोडिंग करें प्लस इनफ ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि साइड में किसी और जगह क्योंकि इतना ज्यादा मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन है ऑलरेडी गूगल सूट का जो कि गूगल प्ले प्रोवाइड करता है कि उसके सामने कोई और चल ही नहीं पा रहा अकॉर्डिंग टू सी सी आई अनदर ऑफ गूगल्स रेवेन्यू जनरेटिंग ऐप जैसे कि यूट्यूब हो गया उसने इतना सिग्निफिकेंट एडवांटेज कॉम्पिटिटर्स के ऊपर किया है कि ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में कोई और चल ही नहीं पा रहा है इसके आगे तो आप समझ सकते हैं दैट इज़ अ थिंग नाउ गूगल को क्या चीज़ें हिदायत दी गई है सी सी आई द्वारा एंड कि क्या वो चेंजेस करे तो पहला तो उसने कहा है कि स्मार्टफोन मेकर शुड बी अलाउड टू चूज़ विच ऑफ द गूगल्स प्रेप्राइटरी एप्स दे वॉन्ट टू इंस्टॉल एंड शुड नॉट बी फोस्ट टू प्री इंस्टॉल द होल्ड होल बुके अभी तो देखो गूगल फोर्स कर रहा है कि भाई पूरा का पूरा आप सूट गूगल सूट डाउनलोड करो लेकिन ये स्मार्टफोन मेकर्स के पास चॉइस होनी चाहिए कि कौन सा वो ऐप यूज़ करना चाहते हैं कौन सा नहीं

डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चुनने का मौका मिलना चाहिए बट वो नहीं चुनने का मौका मिलता है, है।, में में है।, है, है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि गूगल फिर उसमें आपको प्रोप्राइटरी एप्स नहीं प्ले करने देता है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए ठीक right. है ना दैट इज रही एंड गूगल शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अनस्टॉलिंग ऑफ प्री इंस्टॉल्ड एप्स मतलब जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं आप उनको

टू कॉमन पैडी डिसीजेज़ वन बैक्टीरियल एंड वन फंगल अब देखो जो पाँच न, ये जो नई पांच वेरायटीज़ डेवलप हुई हैं ना ये पांच वेरायटीज़ दो इशूज़ को सॉल्व करने के लिए एक तो पैडी में जो लगने वाली डिसीजेज हैं पैडी में जो लगने वाले डिसीजेज हैं है, उनको सॉल्व करने के लिए एंड सेकेंड वन इज वाटर का जो अवेलेबल यूज़ है वाटर का जो बहुत ज्यादा यूज़ होता था उसको कम करने के लिए तो पहला तो जो तीन वरायटीज़ हैं दे आर बैक्टीरियल एंड फंगल रेजिस्टेंट देन इसके अलावा जो टू वेराइटीज़ हैं दे आर दे कैन सेव अप टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ वाटर क्योंकि उनको डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइसो डीएसआर राइस बोलते हैं डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस के थ्रू क्या वैसे राइस की आपने देखा होगा पहले उसको डालते हैं रोपा लगाते हैं उसमें पानी डालते हैं फिर उसको दोबारा से ट्रांसप्लांट करते हैं राइस को लगाने के लिए लेकिन ये डायरेक्टली सीडेड राइस होते हैं डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस होती है इसमें से वाटर बहुत ज्यादा बचता है ये जो दो स्पीशीज हैं डायरेक्ट सीडेड राइस वाली ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी हैं मतलब कि देखो जब हम डीएसआर के फायदे पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बता देता हूं डीएसआर के फायदा डीएसआर का फायदा यह है कि इसमें 35 परसेंट से ज्यादा पानी की बचत होती है ग्रीन हाउस गैस गैसन जो है वो रिड्यूस होता है इसमें क्योंकि पानी स्टैगनेट नहीं रहता है दो इसके बहुत बड़े फायदे हैं लेकिन साथ ही साथ इसमें एक नुकसान भी है कि इसमें वीड्स बहुत ज्यादा लगते हैं जो डीएसआर टेक्निक है उसमें वीड्स बहुत ज्यादा लगते हैं तो इनका हरबी साइड रेजिस्टेंट होना भी जरूरी था क्योंकि अगर आप डीएसआर राइस यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस बीड्स होंगे और वीड्स को रिमूव करने के लिए आपको फिर हरबी यूज करना पड़ेगा तो ये हरबी रेजिस्टेंट भी है दैट इज एडवांटेज ऑफ दैट कि यह हर बी साइड रेजिस्टेंट है एंड यही इसका एडवांटेज है तो यह वो डेवलप की गई है आई ए आर आई यानी पूस्टीट्यूट ने डेवलप किया है इस वैराइटीज के नाम है अलग अलग पूसा बासमती फिफ्टीन जीरो नाइन पूसा बासमती पूमती एटीन फोर्टी सेवन पूसा बासमती फोर्टीन जीरो वन पूसा बासमती एटीन एट्टी सिक्स ये अलग अलग वरायटीज हैं आप नाम याद रखिएगा आई होप यूआर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगली न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 लॉन्च कर दिया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है बेसिकली एनसीआर के द्वारा भी इसमें इन्वॉल्व रहता है ऑब्वियस सी बात है जैसे देखो हमारे हजार बीस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी ठीक है ना अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई क्यों क्योंकि ताकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो रिशेप किया जा सके इसके अलावा हमारे यहाँ पूरा एक नया सिस्टम लाया गया है फाइव थ्री थ्री फोर का फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का करिकुलम स्ट्रक्चर लाया गया मतलब पहले पाँच साल फिर तीन साल आठ साल तक आठवीं तक फिर उसके बाद चार साल की जो हमारे ग्रेजुएशन कोर्स तक पूरा इंक्लूड किया गया है इसके अंतर्गत ठीक है मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेकर के आपका मतलब जो कॉलेज गोइंग एजुकेशन तक की बात है पूरा इंक्लूड किया गया है ठीक है ना अब यहाँ पर जो पहली सबसे पहली अर्ली चाइल्डहुड केयर स्टार्ट होती है वो तीन से आठ तक के बच्चों के लिए है तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें भी जो ये मेजर पहला पार्ट है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए ही लॉन्च किया गया है अब अर्ली चाइल्डहुड केयर याद रखेगा तीन से आठ साल तक के लिए जो है बच्चों का फ्यूचर कैसे शेप किया जाएगा तो बेसिकली जो फाउंडेशनल एजुकेशन है फाउंडेशनल एजुकेशन के लिए ही लॉन्च किया जाएगा लिया लॉन्च किया गया है ये एन में चार सेक्शन है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके चार सेक्शन है वो चार सेक्शन कौन कौन से पहला तो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन दूसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तीसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एंड चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन तो ये चार पार्ट है इसके बाद फ्रेमवर्क जो है वो फोकस करता है पंचकोश कोश कंसेप्ट के ऊपर यानी कि पंचकोश कंसेप्ट क्या है एंशियंट सिस्टम है इंडियन इंडिया India का जो कि बॉडी एंड माइंड के कनेक्शन के ऊपर फोकस करता है बॉडी एंड माइंड के कनेक्शन के ऊपर और एन कहता है कि जो पाँच पार्ट्स हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट के वो है शारीरिक विकास दूसरा है मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास एनसीएफ पांच कौन से पार्ट डेवलप करना चाहता है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट दूसरा है प्राणिक विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी तीसरा इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास चौथा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि चैतिक विकास तो ये पांच ये डेवलपमेंट करना चाहता है एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन टू इंप्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो इसमें और दूसरा खेल के ऊपर प्ले के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि उनका मानना है कि प्ले से जितना ज्यादा बच्चा सीखता उतना किसी और चीज से नहीं सीखता है ठीक है ना अब देखो यहां पर लिखा है एनसीएफ ने सजेस्ट किया है दैट यूज ऑफ सिंपल मतलब बुक्स को रिप्लेस करने करके वर्कशीट का आप यूज करो उनको बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक्स मत दो तीन से छह साल तक के बच्चों लिए उनको बर्डन मत करो टेक्स्ट बुक के साथ ठीक है ना इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि वास्ट नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रूटीनली फेल इन लर्निंग आउटकम टेस्ट्स एंड इसी कारण से उनको बहुत ज्यादा बुक्स से आप मत करो इनको टॉय बेस्ड लर्निंग कराओ स्टीरियोटाइप्स अवॉइड करो जेंडर रिप्रेजेंटेशन करो एथिकल मोरल अवेयरनेस प्रोवाइड करो तो ये सारी चीजें जो है मेंशन की गई हैं है ना इसको आप याद रखिएगा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर देखो आपको मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है है ना तो ये फाइव थ्री थ्री फोर वाला स्ट्रक्चर है फाइव थ्री थ्री फोर वाला स्ट्रक्चर मतलब कि तीन साल तक पहले आंगनवाड़ी प्री स्कूल एंड बाल वाटिका जो चलेंगी एज तीन से छः तक अगले दो साल चलेंगे क्लास वन एंड टू एजेस सिक्स टू एट फिर अगले तीन साल चलेंगे क्लासेज थ्री टू फाइव एज एट टू इलेवन फिर अगले तीन साल चलेंगे क्लासेज सिक्स टू एट एजेस इलेवन टू फोर्टीन एंड अगले चार साल चलेंगे क्लासेज

प्री प्रिपरेटरी स्कूल है प्रिपरेटरी आपका तीन सालों तक चलेगा फाइव प्लस थ्री प्रिपरेटरी तीन साल तक तो लिखते जाओ पहला जो था वो फाउंडेशनल था सेकंड था आपका प्रिपरेटरी प्रिपरेटरी तीन साल आपका क्लास थ्री टू फाइव चलेगा एज एट से इलेवन चलेगा तीसरा आपका है मिडिल मिडिल आपका तीन साल चलेगा क्लासेस सिक्स टू एट चलेगा एज इलेवन टू फोर्टीन चलेगा और देन लास्ट है आपका जो फोर है वो है सेकेंडरी जो कि चार साल चलेगा नौ से बारह तक चलेगा और चौदह से अट्ठारह एज तक चलेगा तो दट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी चीज़ें बोलते हैं जैसे आर्टिकल फोर्टी जो

person should be required to possess the minimum qualification as laid down by the concerned state councils of teacher education statement one second statement as per the rte act the teacher teaching for primary classes a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in according to the national council of teacher education guidelines तीसरा स्टेटमेंट है इन इंडिया मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है आंसर विल बी बी सेकेंड ऑलिज इज द करेक्ट स्टेटमेंट पहला और तीसरा दोनों ही गलत स्टेटमेंट है ना तो पहला और तीसरा गलत है सेकेंड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर आई होप यू गॉट क्लैरिटी दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अइज डे